स्वागत है भाइयों आप सभी के अपने भाई के चैनल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स में। तो भाइयों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग कैसे जीते, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या सच में ड्रीम इलेवन हमें ग्रैंड लीग जीतने पे पैसे देता है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो भाइयों सबसे पहले तो उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग पूछते हैं कि क्या ड्रीम इलेवन सच में पैसे देता है। जी हाँ बिल्कुल देता है, पर उसमें भी जो है बहुत ही सारे कंडीशन होते हैं, क्योंकि जब मैंने ग्रैंड लीग जीता था फुटबॉल में, तो आपको बता दूं उस समय मुझे विड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस समय मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं था और मैं नया नया था। और क्या आप ये सोचते हैं कि सभी बंदे ग्रैंड लीग जीतने वाले सच में जीनुअन होते हैं हमारी और आपकी तरह? तो ठहर जाइए, आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ड्रीम इलेवन जो है 10 से 20% मौके पर ही जो असली बंदे को ग्रैंड लीग जिताता है, या फिर 80 से 90% मौके पे वो अपनी टीम जो है अंत में वेटिंग फॉर रिव्यू जाने के समय अंदर लगा देता है। तो यहाँ पे आपके साथ जो है फ्रॉड हो जाता है। आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि कोई बंदा ग्रैंड लीग जीता है उसका लेवल 9 होता है, कभी 10 होता है, कभी 20 होता है, और कभी 40, 50, 100 ऐसे कुछ होता है। तो क्या आपने सोचा कि इतना कम लेवल का बंदा ग्रैंड लीग कैसे जीत गया, और जो बंदा बहुत दिनों से खेल रहा है उसने अभी तक ग्रैंड लीग क्यों नहीं जीता? तो जी हाँ यहाँ पे वही रीजन होता है, ग्रैंड लीग जो है ड्रीम इलेवन उन्हीं बंदों को जिताती है या फिर जिनके अकाउंट वेरीफाइड नहीं होते हैं, ताकि अकाउंट उनका वेरीफाइड ना हो पाए और वो पैसा ड्रीम इलेवन के पास ही रह जाए, या फिर उन बंदों को जिताती है जो कि बहुत ही कम लेवल के होते हैं। और बहुत ही कम लेवल के जो बंदे जीतने के, कभी कभी जो है ये लक पे भी फेवर करता है। जैसे कि मैंने जब जीता था तो मुझे सच कहूं तो कुछ पता नहीं था फुटबॉल में, मतलब फुटबॉल में पता था, खिलाड़ियों के बारे में पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि कौन से प्लेयर खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मैंने बस ऐसे ही बना दिया था टीम, और अचानक मैं जब देखा सुबह उठ के तो जी मैं ग्रैंड लीग जीत चुका था, तो मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मुझे बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा ग्रैंड लीग से जीते हुए पैसे को विड्रॉ करने में। हालांकि टैक्स काट के मुझे 2 महीनों के बाद पैसे मिले, क्योंकि 2 महीने तो मुझे अकाउंट वेरीफाइड करने में 1 महीने लगे, और जिस समय मैं जीता था तो बहुत ही समय लगता था अकाउंट वेरीफाइड करने में।